देखते करीब आधे से पौन घंटे तक पथराव फायरिंग का तांडव चलता रहा, लेकिन पूरे मामले के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब पुलिस पहुंची है और उसको कंट्रोल करने में काफी समय लग गया, उनको थाने लाया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले जो अभी इस वक्त सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी रही होगी वहां पर मतदान केंद्र के आसपास, क्या इस वक्त जब फर्जी वोटिंग चल रही थी तो उस वक्त क्या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने वहां पर इंटरवीन नहीं किया? जी मैं आपको बता दूं, चूंकि रतनपुर का जो मामला इंटर कॉलेज का, वहां पे जो वोटिंग चल रही थी उसी दौरान बताया जाता है कि अंदर पोलिंग जहां मतदान चल रहा था वहां पे पुलिस इनको लेकर के फर्जी वोटिंग को लेकर करके मारपीट हुई, उसके बाद ये लोग बाहर आ गए, वहां पे इन्होंने जमकर तांडव मचाया है। इस पूरे मामले को लेकर जब हम जिला प्रशासन से पूछते रहे तो उन्होंने कोई भी इस मामले में ये हमारा बताया गया कि बहुत ही हल्का मामला है, उसकी मैंने हुई, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना आप खुद विजुअल में देख सकते हैं कितनी गंभीर चोटें हैं, सर पे चोटें आई हैं, लोगों के हाथ पांव में चोटें हैं और फायरिंग भी हुई, तो इसमें कुल 6 लोग घायल हुए और ये अगर देखा जाए तो काफी गंभीर मामला है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के।